गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर हमें किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है रिलेटेड टू फिजिक्स, तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल आने चाहिए। फिजिक्स के अंदर अगर हमें न्यूमेरिकल आते हैं तो हमारी जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं हम सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल फॉर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हमें फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फार्मूला क्या है? के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और हम के को क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁻⁹, क्यू वन इंटू में क्यू टू डिवाइड बाई दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और कूलम्स लॉ के अंदर फोर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वेक्टर के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। कि हम दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो दो वेक्टर को हमें कैसे ऐड करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर पता होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं उनको ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी कॉस बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें एक तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए और दूसरा दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। तो उसका रिजल्टेंट होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है वी हैव टू चार्ज, वन इज 1 μC एंड अनदर इज 2 μC, आर सेपरेट बाई 1 cm अपार्ट। हमारे पास दो चार्ज है, एक 1 μC का, दूसरा 2 μC का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 cm। तो हम लिख सकते हैं क्यू वन इज इक्वल टू 1 μC। और हमें पता है माइक्रो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁶ कूलम। एंड क्यू टू इज इक्वल टू 2 μC, 2 × 10⁻⁶ कूलम। आर इज इक्वल टू 1 cm। इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻²⁰ मीटर। सो फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁹, क्यू वन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब इस टर्म का हम क्या कर दें? स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई कर ले, 10⁻², 1 × 10⁻²। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी 10⁻ है इन सभी टर्म को हम अलग कर दें, बाकी टर्म को हम अलग कर लें। मीन्स एफ इज इक्वल टू 9 × 1 × 2, 9 × 2 = 18, इंटू में 10⁹ 9 − 6 − 6 −2 − 2 − 4, ऊपर जाएगा तो +4, 9 + 4 = 13 −12। एफ इज इक्वल टू 18 × 10 इज इक्वल टू 180 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया? 180 न्यूटन। उतना ही फोर्स Q1 पे लगेगा, उतना ही फोर्स Q2 पे लगेगा। दोनों का साइन क्या है?
सेम है, अगर साइन सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स किस टाइप का होगा? रिपल्सन। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर बाई चांस एक फोर्स यहाँ पे माइनस का होता तो मैग्नीट्यूड तो सेम आता लेकिन डायरेक्शन अब अट्रैक्शन की हो जाती, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का है, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमारे नीट में और आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल आर सेपरेट बाई 1 मीटर अपार्ट। हमें कम से कम फोर्स बताना है किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, कम से कम कितना फोर्स लग रहा। अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, 1 मीटर, तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 मीटर। और इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम फोर्स चाहिए तो चार्ज कम से कम होना चाहिए, मतलब क्यू वन और क्यू टू दोनों की वैल्यू किसके कॉल होनी चाहिए, ई। मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी इजिकल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक, तो उस बॉडी पे कम से कम कितना चार्ज होगा, ई। तो फोर्स आ गया हमारे पास के इंटू में ई डिवाइड बाई वन इंटू में वन, दिस इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में भी आया हुआ था और आईआईटी में भी आया हुआ था कि द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल आर सेपरेट बाई 1 मीटर अपार्ट। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, के ई स्क्वायर। या क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन आर सेपरेट बाई ए डिस्टेंस 1.6 मिलीमीटर। वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन आर सेपरेट बाई ए डिस्टेंस 1.6 मिलीमीटर, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ फोर्स। कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये एक दूसरे से 1.6 मिलीमीटर की डिस्टेंस में है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नेचर क्या होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो फर्स्ट हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, प्रोटोन भी चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो एक पे चार्ज किसका है, माइनस का, दूसरे के ऊपर चार्ज किसका है, प्लस का। तो चार्ज की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, एक पे माइनस दूसरे पे प्लस, तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेचर ऑफ फोर्स कैसा मिल गया हमें, अट्रैक्शन का। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू। तो हमें बताया जो डिस्टेंस है 1.6 मिलीमीटर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻³ मीटर। फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारे पास, 9 × 10⁻¹ इंटू में पहला चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, दूसरा चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाई डिस्टेंस 1.6 × 10⁻³, और डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर।
तो हम इसको दो बार मल्टीप्लाई कर ले, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ पे पावर कितनी है, माइनस 19, यहाँ पे माइनस 19, माइनस 3 और माइनस 3, माइनस 6, ऊपर जाएगा तो प्लस 6, तो फोर्स आ गया हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 6 15 माइनस 38, तो ये 38 में से 15 घटा दे, 19 मतलब 15 माइनस 38 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 23, तो जो फोर्स आ गया दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 23 न्यूटन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना फोर्स लगेगा, 9 टेन की पावर माइनस 23 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेट बाय 1.6 मिलीमीटर अपार्ट। आया सर, ये तो दो चार्ज के बीच में फोर्स था, अब हम बात करेंगे तीन चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स, तो हम नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हर एक साइड क्या है इसकी सेम है, एंड स्मॉल क्यू चार्ज ऑन ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टिक्स मतलब ए बी और सी तीनों पॉइंट पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, फाइंड दी फोर्स एट दी सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एट दी चार्ज कैपिटल क्यू, हमने एक सेंट्रोइड ले लिया ओ, इस ओ पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, स्मॉल क्यू एट पॉइंट ए, स्मॉल क्यू एट पॉइंट बी एंड स्मॉल क्यू एट पॉइंट सी, इन तीनों चार्ज के कारण सेंट्रोइड पे कितना फोर्स एक्ट होगा, तो हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, हम ये पता है वी नो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ से, ओ से पहले चार्ज की डिस्टेंस, ओ से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस और ओ से तीसरे चार्ज की, ये तीनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है, और ए और ओ पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और बी पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और सी पे भी चार्ज कितना है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो अगर हम बात करें ओ पॉइंट पे ए के कारण फोर्स इज इक्वल टू ओ पॉइंट पे बी के कारण फोर्स, और इज इक्वल टू ओ पॉइंट पे सी के कारण फोर्स, और इस फोर्स को हमने मान लिया एफ, ये तीनों फोर्स इक्वल होंगे ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए, और इन तीनों को हमने किसके इक्वल मान लिया एफ के इक्वल। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं, तो ओ पॉइंट पे मींस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इस क्यू के कारण कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों का साइन सेम है तो ये डायरेक्शन हो गई, हमने मान लिया एफ ओ बी, और सी के कारण ये डायरेक्शन होगी एफ ओ सी। अब ये दोनों फोर्स इक्वल है और इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये देखो ये एंगल कितना है टोटल एंगल 60, तो ये हाफ कितना होगा 30, ये कंप्लीट भी कितना है 60, तो ये हाफ कितना होगा 30, ये 30 हो गया ये 30 हो गया, तो ये कंप्लीट कितना होगा 120, तीनों का सम कितना होगा 180, 30
प्लस 30, 60 प्लस 120, 180, और तो ये एंगल भी कितना होगा 120। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करके देखें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ, और एंगल कितना है 120, कॉस 120। और हमें पता है कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1/2। कॉस की वैल्यू हमें रिमेंबर करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये साइन किसका आएगा, माइनस का, मीन्स एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस एफ का, एफ का स्क्वायर से एफ का स्क्वायर कट गया, रूट में एफ का स्क्वायर, और ये किसके कुल आएगा, एफ के कुल। मतलब एफ ओ बी और एफ ओ सी ये दोनों फोर्स इक्वल है और एक दूसरे से कितने एंगल पे है, 120 एंगल पे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच में होगा और इन्हीं के इक्वल होगा, इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और इसके बीच में लगेगा, और एक के कारण क्यू पॉइंट ऑफ फोर्स नीचे की ओर होगा और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ। अब दीज टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो आप डायरेक्ट बता सकते हो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अगर तीनों वर्टेक्स पे चार्ज की वैल्यू इक्वल है तो सेंटर पे हमेशा फोर्स किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर हमारे पास कोई भी शेप है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, तीन साइड है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है, कितनी भी साइड है, अगर हर एक साइड इक्वल है, जैसे हम स्क्वायर की बात करें, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की, तो इसमें कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, ये चारों साइड इक्वल है और चारों वर्टिक्स पे चार्ज भी इक्वल हो, चारों वर्टिक्स पे चार्ज भी क्या हो, इक्वल हो, तो हमेशा सेंटर में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा सेंटर में जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इक्वल साइड की कितनी भी शेप की डायग्राम हो, वो तीन का हो, चार का हो, पांच का हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, अगर वर्टिक्स पे सेम चार्ज है देन नेट फोर्स एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट बताएंगे कि सेंटर पे टोटल चार्ज किसके कॉल होगा, 0 के, इफ द साइड आर इवन। अगर इवन साइड है, जैसे दो साइड है या चार साइड है, स्क्वायर है या हेक्सागोनल है, तो अपोजिट कॉर्नर पे चार सेम है फिर भी वैल्यू किसके कॉल आएगी, 0 के। हम स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ये क्वेश्चन आया सर, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, हमने मान लिया इसकी साइड ए है, सेंटर पे एक चार्ज लिया कैपिटल क्यू एट पॉइंट ओ, ए बी सी डी, हमें इस सेंटर पे इन चारों चार्ज का फोर्स निकालना है, तो हमें पता है कि यहाँ पे ओ ए, ओ से ए तक की डिस्टेंस, ओ से बी तक की डिस्टेंस, ओ से सी तक की और ओ से डी तक की, ये चारों डिस्टेंस इक्वल होगी और हम ये चारों डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस किसके कॉल आएगी,
ये डिस्टेंस आएगी ए बाई रूट टू। हम निकाल के देखेंगे अभी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये चारों वैल्यू इक्वल हो गई और इस पॉइंट पे ए के कारण जो फोर्स लगेगा उतनी फोर्स बी के कारण लगेगा, उतनी फोर्स सी के कारण लगेगा, उतनी फोर्स डी के कारण लगेगा, क्योंकि चारों चार्ज इक्वल है। ये चारों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फोर्स भी क्या होगा सेम होगा। एफ ओ ए इजिकल टू एफ ओ बी इजिकल टू एफ ओ सी इजिकल टू एफ ओ डी और इसको हमने मान लिया एफ। अब हम डायरेक्शन देखते हैं कि ए के कारण ओ पे जो फोर्स डायरेक्शन वो इस साइड है, दे आर रिपेल टू इच अदर, एंड सी के कारण डायरेक्शन इस साइड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बी के कारण डायरेक्शन इस साइड है और डी के कारण डायरेक्शन सॉरी बी के कारण डायरेक्शन इस साइड होगी और डी के कारण डायरेक्शन इस साइड होगी, ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट है सो दे आर आल्सो कैंसिल आउट। सो नेट फोर्स एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू जीरो। हम इसको और अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे मान लिया चार पॉइंट ले लिए ए बी सी डी, चार्ज ऑन ईच कॉर्नर इज क्यू, हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू एंड साइड इज ए, फाइंड द फोर्स एट पॉइंट ए। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी सी और डी इन तीनों के कारण फोर्स निकालना है, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं। तो डी पॉइंट पे कितना चार्ज है स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी कितना चार्ज है स्मॉल क्यू, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी आउटवर्ड, दे आर रिपेल टू इच अदर, एंड बी पॉइंट पे चार्ज कितना है क्यू और यहाँ पे भी चार्ज कितना है प्लस क्यू, ये आल्सो रिपेल टू इच अदर, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। हमने मान लिया कितना फोर्स है एफ ए डी और ये फोर्स कितना होगा एफ ए बी और इसकी वैल्यू किसके कॉल होगी, इस चार्ज की वैल्यू किसके कॉल आएगी, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए, तो फोर्स आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए, चार्ज कितना है स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री, अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है हमें पता है कोस 90 कितना होगा जीरो, दिस टर्म बिकम टू जीरो, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो किसके कलर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रिजल्टेंट कितना आ गया हमारे पास एफ ए डैश मान ले इसको, दिस इज इक्वल टू रूट टू इंटू में के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब हमारे पास एक और फोर्स है जो किस पॉइंट पे सी पॉइंट पे, तो इसके कारण जो फोर्स आ गया वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा सेम डायरेक्शन में लगेगा और ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी रूट टू ए, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका रूट करेंगे तो रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन है, वन प्लस वन कितना होगा रूट टू इंटू में ए, तो इसके कारण इस पॉइंट ऑफ फोर्स कितना होगा एफ ए सी इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू ए का स्क्वायर, मीन्स के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए का स्क्वायर,
मतलब इस डायरेक्शन में जो ये फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर, और एक फोर्स कितना लग रहा, रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इन दोनों का ऐड कर ले जवाब, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो टोटल फोर्स एट पॉइंट ए किसके को लाएगा, रूट टू प्लस 1/2, रूट टू यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट क्यू ड्यू टू द स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए और हमें उनको ऐड करने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको खुद ट्राई करना है एक बार। अगर हम मान लें हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, एंड चार्ज एट पॉइंट ए इज माइनस क्यू, बी इज प्लस क्यू, सी इज आल्सो प्लस क्यू, सेपरेट योर डिस्टेंस स्मॉल ए। कितने डिस्टेंस पे हैं, ए दूरी पे। हमें फोर्स निकालना है, फोर्स एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है। तो जब हम सी पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे, तो इसके अलावा हमें दिख रहा है यहाँ पे दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। तो इस माइनस क्यू चार्ज के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, इनवर्ड एफ सी ए, और इस प्लस क्यू चार्ज डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड एफ सी बी, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। एफ सी ए और एफ सी बी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा, 120 डिग्री। तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हमें पता है कि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए। इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, ए। तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, किसकी आएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और जब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, तो इसका रिजल्टेंट इसके मिड में एक्ट होगा, और उस रिजल्टेंट की वैल्यू भी किसके होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये चीज आपको ट्राई करना है। और एट लास्ट आपको वैल्यू कैसे याद होगी, हमें ये पता है कि जो साइन की वैल्यू है या कॉस की वैल्यू है, हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, हमें इस पे वैल्यू पता होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर हम इसको रिवर्स ले, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो जो वैल्यू 60 पे होगी वही वैल्यू 120 पे होगी, जो वैल्यू 45 पे होगी वही वैल्यू 135 पे होगी, जो वैल्यू 30 पे होगी वही 150 पे होगी, और जो 0 डिग्री पे होगी वही 180 डिग्री पे होगी। केवल एक चीज़ याद रखना, कॉस के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, और साइन के अंदर ये वैल्यू भी किसकी होगी, प्लस में। तो अगर हमें साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की पता है, हम 180 तक निकाल सकते हैं। साइन की एज इट इज, कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी न्यूमेरिकल की
स्टेटमेंट और सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।